अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं हूं आपके साथ कहकशा परवी। टीवी इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस के नए सीजन यानी कि 14 को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। फैंस के सामने इसके कुछ प्रोमो आ चुके हैं, लेकिन अभी तक शो के शुरू होने की तारीख और इसमें हिस्सा लेने वाले सेलिब्रिटीज के नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। ऐसे में बिग बॉस के फैन हर छोटी बड़ी नई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं। फिलहाल जो नई अटकलें लगाई जा रही हैं वे काफ़ी बड़ी और फैंस को काफ़ी एक्साइटेड करने वाली हैं। बिग बॉस का पिछला सीजन यानी कि सीजन 13 दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था। खास तौर पर उस सीजन में घर के अंदर बनी कुछ जोड़ियों ने दर्शकों का दिल जीता था। ऐसे में शो के निर्माता उस लोकप्रियता को नए सीजन में भी भुनाना चाहते हैं। बिग बॉस से जुड़ी जानकारियां शेयर करने वाले ट्विटर हैंडल बिग बॉस तक ने दावा किया है कि बिग बॉस के निर्माता इस बार पिछले सीजन की कुछ जोड़ियों को भी घर में आने का मौका देंगे। इसके मुताबिक पिछले सीजन की हिट जोड़ियां सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल, आसिम रियाज और हिमांशी खुराना, पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा से शो के प्रोड्यूसर ने संपर्क किया है और उनके सामने नए सीजन का हिस्सा बनने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि ये जोड़े पूरे शो का हिस्सा नहीं होंगे और सिर्फ एक या दो हफ्तों तक घर में रहेंगे ताकि दर्शकों को बांधे रखा जा सके और उनके सामने कुछ नया पेश किया जा सके। पिछले सीजन में ये सब जोड़ियां काफ़ी हिट रही थी। यहां तक कि शो खत्म होने के बाद इन जोड़ियों की पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ म्यूजिक वीडियो भी रिलीज़ किए गए थे, जिन्हें इनके फैंस का अच्छा खासा सपोर्ट मिला था। अभी तक की जानकारी के मुताबिक सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो में नैना सिंह, जैस्मिन बसिन, निया शर्मा और सुगंधा मिश्रा जैसे टीवी कलाकारों के शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। तो अभी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये तीनों जोड़ियां शो में एंट्री लेंगी या ये सिर्फ अफवाह है। वैसे आप इन तीनों जोड़ियों में से किस को दोबारा देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।